नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ सपना मद्देश्या। राज्य में आज पुलिस सब इंस्पेक्टर की लिखित प्री परीक्षा हो रही है और इसके लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। अहमदाबाद के और गांधीनगर सेंटर से परीक्षा का आयोजन किया गया है। यह परीक्षा 9 बजे से 11 बजे तक आयोजित की जा रही है। 96,231 उम्मीदवारों ने शारीरिक परीक्षण पास किया, जिसमें से कुल 92,145 उम्मीदवारों ने अब तक कॉल लेटर डाउनलोड किया है और परीक्षा अहमदाबाद और गांधीनगर में कुल 312 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। केंद्र सरकार के इन सभी कॉलेजों और स्कूलों में 3,209 क्लासरूम में परीक्षाएं ली जाएंगी। पुलिस उपनिरीक्षकों की परीक्षा में पहली बार अहमदाबाद और गांधीनगर के केंद्रों में सीसीटीवी के अलावा जैमर का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो सके। अधिक से अधिक लोग डिजिटल घड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का उपयोग करेंगे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि परीक्षा में कोई अनियमितता तो न हो और इंटरनेट कनेक्टिविटी और मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध न हो। इसलिए बोर्ड ने जैमर का उपयोग करके परीक्षा आयोजित करने की योजना बनाई है। जैमर सुबह 8:30 बजे से शुरू होगा और 11 बजे बंद हो जाएगा। सिर्फ अहमदाबाद और गांधीनगर केंद्रों पर ही ऐसा किया गया है। इसके लिए बोर्ड की ओर से 77 अलग अलग रूट तैयार किए गए हैं और जो वाहन प्रश्न पत्र को केंद्र तक ले जाएगा वह कंट्रोल रूम से लगातार संपर्क में रहेगा। इसके लिए विशेष नियंत्रण भी तैयार किया गया है। सभी वाहन GPS सिस्टम से लैस है, वही वाहनों का एक निश्चित रूट दिया गया है।